विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की परत परत खुलती जा रही है। एक और मामला आज फिर सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि आरटीओ कार्यालय में तैनात एआरटीओ प्रशासन शंकर सिंह का भ्रष्टाचार अभी भी कायम है। आम जनमानस बगैर रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं करवा पा रहा। ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी शुल्क के मुताबिक 100 रुपये में बन जाना चाहिए, लेकिन 4,500 से 5,000 रुपये उसके लिए देने पड़ते हैं। हाँ, संज्ञान में हमारे आया है और हमने उसमें एक पत्र लिखा है। माननीय अपने पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष जी का पत्र था, उन्होंने भी उसमें पत्र भेजा है। उनके पत्र के ऊपर मेरे भी कवरिंग लेटर मुझे याद है, मैंने लगाया है। उन अभियुक्ताओं की जांच के लिए हम लोग कार्रवाई कराने के लिए लिख रहे हैं। जनमानस को जो कि लगातार भ्रष्टाचार का जो है असुविधा हो रही है आरटीओ ऑफिस में, वहाँ पर कोई भी लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है 1300 रुपये माननीय सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो है रेट रखे हैं, लेकिन इसका रेट ये लोग 4500 रुपये ले रहे हैं। कौन लोग? ये आरटीओ शंकर सिंह, जो कि टोटल अनर्गल है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे पास भी शिकायत करने आए, कार्यालय में भी शिकायत करने आए,